तो हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रही थोड़ा मार्केट घूमने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पहना था लोवर टी शर्ट, नहा के आई थी तुरंत। तो अभी मैं यहाँ पे अपना मेकअप करने वाली हूँ। आप भी झटपट सिर्फ 2 मिनट में इस तरीके से रेडी होगे, कहीं भी जा सकते हो, काफ़ी अच्छे लगोगे। तो यहाँ पे मैंने लगाया था जॉय का मॉइस्चराइजर, फ्रूट मॉइस्चराइजर, बहुत ही अच्छा है, इसकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आपकी भी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने सेकंड चीज़ जो ली है वहाँ पे है लिपस्टिक। इसके अलावा आपको कुछ भी यूज नहीं करना, सिर्फ लिपस्टिक एंड मॉइस्चराइजर से अपना मेकअप कंप्लीट करके आप जा सकते हो, रेडी हो सकते हो। बाहर जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए बहुत ईजी है। तो सनस्क्रीन जरूर लगा लीजिएगा, मैंने सनस्क्रीन यहाँ पे नहीं लगाया है, तो इस तरीके से लिपस्टिक लगाया है। बट मॉइस्चराइजर ज़्यादा होने की वजह से लिपस्टिक होठों पे लग नहीं रही थी, तो मैंने उसको गालों पे लगा लिया। सॉरी, मजाक करी, मैं यहाँ पे ब्लश की जगह पे लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से लिपस्टिक लगा के उसको ब्लश की जगह पे मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद फिर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। आप भी ज़रूर ट्राई करोगे, मैं ये चीज़ की गारंटी ले रही हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करोगे इस चीज़ की। और किसी किसी ने ट्राई किया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो उसके बाद से मैंने लिपस्टिक को अपने होठों से एक्स्ट्रा पानी को निकाल के, जैसे मॉइस्चराइजर था उसको निकाल दिया था, और उसके बाद से मैंने लिपस्टिक लगा ली थी, तो लिपस्टिक ईजिली मेरे होठों पे लग गई थी। उसके बाद मैं करूँगी अपना हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल कैसे करने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक बहुत ज़रूर कीजिएगा। हेयर स्टाइल के लिए मैंने अपने बालों को खोल दिया और ये झाड़ू जैसे बालों को कंघी से कॉम करने लग गई हूँ। और अच्छे से सुलझाने के बाद से मैं कैसे लुक देने वाली हूँ वो अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो वैसे भी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। अभी आजकल मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रही हूँ। जैसे ही मेरा खत्म हो जाएगा हेयर फॉल, मैं आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तो इस तरीके से साइड की मांग निकाली थी और बालों को इस तरीके से कॉम कर लिया था। और जो हाथों में स्क्रंची ले रखी है रबड़ बैंड, उसी से बालों को बांध लूंगी मैं। तो इस तरीके से फ्लैट लुक देते हुए इस तरीके से अच्छे से कॉम कर लेंगे बालों को और रबड़ बैंड को लगा लेंगे। तो इस तरीके से रबड़ बैंड को लगा दिया है। मैं यहाँ पे कोई मेकअप नहीं करने वाली हूँ, आईब्रो वगैरह कुछ फील नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे चश्मा लगाना है। तो चश्मा के साथ आईब्रो फील करो ना करो, अच्छा ही लुक दिखता है। उस वजह से अपने बालों को सुलझा लूंगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बालों को सुलझा लिया है। बाल देखिए कितने ज़्यादा निकल रहे हैं मेरे, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, एक दो दो चार 10 12 निकलते ही रहते हैं। तो इस तरीके से कर लिया था। उसके बाद से मैं अपना लोअर चेंज करके जीन्स पहन लूँगी। उसके बाद मैं एक और टिप्स करूँगी जिससे आपका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो उसके बाद से मैंने ये लिया है हाइलाइटर, इसको मैंने अपने नोज़ पे अप्लाई किया है। बिना मेकअप मेकअप वाला लुक आपको, मतलब बिना मेकअप का मेकअप वाला लुक दिखेगा, जैसे आपने ऐसा लगेगा आपने कोई मेकअप नहीं किया है, और बहुत ही खूबसूरत सा शाइन आपके स्किन में ऐड हो जाएगा और बहुत प्यारा लगेगा, बिल्कुल नेचुरल सा ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना मेकअप जो किया था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे पहन के आ गई थी जीन्स, अपना पर्स ले लिया था, और ये हो गई मैं रेडी जाने के लिए। कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।